श्रीमान लालू प्रसाद यादव मरने के घर पर आ चुके हैं। लालू यादव एक गाली है बिहार के लिए। लालू यादव जैसे शब्द को अब गाली से बिहार को मुक्ति दिलाने का यही समय है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार, झारखंड देख रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आज विवादित बयान आया लालू प्रसाद यादव को लेकर। लालू प्रसाद यादव मरने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव इस वक्त में भी आग लगाते हैं, इसके साथ भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं विजय सिन्हा, पहले आप उनके बयानों को सुने। ये सदस्यता अभियान का संगठन महापर्व है और इस संगठन महापर्व विकसित बिहार विकसित भारत का नींव रखेगा। हर घर में उस नींव की ईंट हम लोग लाएंगे, सदस्य बनाएंगे, बुलंद विकसित इमारत भारत का बनाएंगे। ये संकल्प हमारा है और ये संकल्प को पूरे बिहार के अंदर जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है उससे बिहार को मुक्त करने का अभियान चलाएंगे। लालू यादव एक गाली है बिहार के लिए। बिहार के लिए लालू यादव एक गाली है और बिहारी शब्द को बदनाम कलंकित और गाली बना करके लालू यादव ने बिहार को जो उपहार दिया है वह उपहार हम आने वाले पीढ़ी को नहीं देंगे। हर समाज के लालू यादव अपने परिवार का जमींदारी बढ़ाना चाहते हैं। मैं उनके जाति में भी जाकर सदस्य बनाएंगे और उस समाज के प्रतिभावान को आगे बढ़ाएंगे। हर बिहारी के प्रतिभा मान सम्मान को बढ़ाएंगे। लालू यादव जैसे शब्द को अब गाली से बिहार को मुक्ति दिलाने का यही समय है। लालू यादव बिहार के लिए अभिशाप है और बिहारी शब्द को कलंकित करने में श्रीमान लालू प्रसाद यादव मरने के घर पर आ चुके हैं अंतिम चौथे पीरियड में और फिर भी आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अरे अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति हर गरीबों को है लालू प्रसाद यादव को हिम्मत घोषित करे कि जो यादव समाज का पढ़ा लिखा काबिल आदमी है हम उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे और अगला मुख्यमंत्री लालू यादव का परिवार नहीं बनेगा, ये घोषणा करे तभी सच्चा सामाजिक न्याय होगा। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया सबन से नाराज है, पोस्टर लगाया। चलिए वो बयान का उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उस बयान पर कोई दम नहीं है। तो आपने साफ तौर पे सुना विजय सिन्हा जातिगत जनगणना को लेकर लालू प्रसाद यादव पे हमलावर हैं और कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ आग लगाते हैं, है हिम्मत अगर उनको तो यादव में किसी और लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा करें। उन्हीं के परिवार के लोग सत्ता में काबिज रहते हैं उनके सरकार में और वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। बहरहाल इसका इतना ही, इसी तरह का तमाम खबरें बने रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।